हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, वन प्लस ने हाल ही में वन प्लस एस रेसिंग एडिशन को चाइना में लॉन्च किया है और वन प्लस ने इस वन प्लस रेसिंग एडिशन फ़ोन को इंडिया में भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो पहले वन प्लस एस को इंडिया में वन प्लस टेन आर के नाम से लॉन्च किया गया था और वन प्लस एस रेसिंग एडिशन को भी इंडिया में अलग नाम से लॉन्च किया जाएगा। पर बताया जा रहा है कि ये फ़ोन वन प्लस टेन लाइट के नाम से आने वाला है, पर यह अभी फुल्ली कन्फर्म नहीं हुआ है। बट स्पेसिफिकेशन और फीचर्स रेसिंग एडिशन की तरह ही बिल्कुल सेम होने वाली है। तो चलिए देखते हैं वन प्लस एस रेसिंग एडिशन इंडियन वेरिएंट की फुल कन्फर्म्ड स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें तो ये फ़ोन वन प्लस टेन प्रो की तरह डिज़ाइन के साथ आने वाला है। बस हमें क्वाड कैमरा के बदले इस फ़ोन पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और अलर्ट स्लाइडर को हटा दिया गया है। आगे डिस्प्ले की बात करें तो इस फ़ोन पे 6.59 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया जाएगा। इसकी डिस्प्ले पैनल आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले पैनल होगी जो कि 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करेगी और एलसीडी पैनल की वजह से फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड माउंटेड देखने को मिलेगा और साथ ही डिस्प्ले पे टॉप लेफ्ट साइड पे पंच होल भी दिया जाएगा सेल्फी कैमरा के लिए। आगे कैमरा की बात करें तो इस फोन पे ट्रिपल कैमरा सिस्टम दिया जाएगा जिसमें 64 मेगापिक्सल की मेन कैमरा दिया गया है जिससे कि 4K वीडियो रेजोल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिलेगा और साथ ही 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर कैमरा भी दिया गया है और सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल के कैमरा दिया जाएगा। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो वन प्लस इस फोन में मीडियाटेक की डायमेंसिटी 8100 मैक्स ऑक्टाकोर सीपीयू और माली G610 की जीपीयू दिया है जो कि 8GB से 12GB रैम और 128GB से 256GB स्टोरेज वेरिएंट ऑप्शन के साथ पेड होगी और इस फोन पे एक्सपेंडेबल एसडी कार्ड की ऑप्शन नहीं दिया जाएगा बट हेडफोन जैक की सपोर्ट दिया गया है और साथ ही फोन को कूल रखने के लिए 8 लेयर कूलिंग सिस्टम दिया गया है जो कि लिक्विड कूल वेपर चैम्बर के साथ आती है और लीनियर एक्स मोटर और स्पेशल ओ हैप्टिक गेमिंग वाइब्रेशन दिया गया है और क्लियरली वन प्लस इस फोन को गेमिंग सेगमेंट में टारगेट करने वाला है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड 12 बेस्ड ऑन कलर ओएस 12.1 आउट ऑफ द बॉक्स दिया जाएगा। आगे फोन में 5000 mAh की बैटरी दिया जाएगा जो कि 65 वाट तक की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी और कनेक्टिविटी फीचर्स में वाईफाई, ब्लूटूथ, USB-C पोर्ट जैसे फीचर्स दिया जाएगा। फाइनली अब इंडिया प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें तो ये फोन की लॉन्च डेट अभी तक इंडिया के लिए डिसाइड नहीं किया गया है पर इस फोन की प्राइस 25,000 से 30,000 के रेंज में देखने को मिलेगा। तो बस गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियोस की फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करने ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। अभी के लिए टेक केयर, गुड बाय।